वेलकम बैक टू प्रिया किचन आज मैं लेके आई हूँ तीज स्पेशल गणेश चतुर्थी स्पेशल रेसिपी गुजिया और पिड़िकिया की रेसिपी जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो कप मैदा लिया है उसको मैंने छान लिया है और यहाँ पे वन फोर्थ कप बटर मेल्ट करके या घी या फिर रिफाइन ऑयल कुछ भी आप ले सकते वो हैं वो मोइन में हम डालेंगे और उसको अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ इस तरह से हाथों में रब करते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम ना पानी मिलाएंगे इसमें और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे तो यहाँ पे मैंने एक कप मेज़रमेंट से पानी लिया है लेकिन सिर्फ दो से तीन टेबल स्पून ही पानी लगा देखिए ये हमारा अच्छे से हमने गूथ लिया है हमारे आटे को अब हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे तब तक हम स्टफ़िंग बना लेते हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है दो से तीन बड़ा चम्मच और यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन लिया है इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से भून लेंगे चार पाँच मिनट तक हल्का सा लाइट पिंकिश कलर हो जाए उतनी देर तक इसको हम भूनेंगे ये हमारा ट्विस्ट है हम सूजी के बजाय बेसन यूज़ करेंगे इससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है ज़रूर ट्राई करके देखें ये हल्का कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें तीन गुना बेसन का तीन गुना डेसिकेटेड कोकोनट बुरादा जो होता है नारियल का वो डालेंगे तीन गुना वन एंड हाफ कप नारियल का बुरादा डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे और उसको भी अच्छे से भून लेंगे चाहिए तो घर का पिसा हुआ फ्रेश नारियल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके बजाय उससे भी स्वाद बहुत अच्छा आएगा तो अब हम इसको भून लेंगे तीन से चार मिनट तक उसके बाद मैंने यहाँ पे थ्री फोर्थ कप पिसा हुआ चीनी डाला है इसको भी मिक्स कर लेंगे और ये मावा इसका रेसिपी मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया है मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर इसको भी हम मिक्स कर लेंगे मावा के बाद ना बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा हमारा जो स्टफिंग है मिक्स कर लिया है हमने इसको अच्छे से थोड़ी देर तक अच्छे से भूनेंगे हम हल्का कलर इसका चेंज हो जाए उतने देर तक बेसन को भी छान के ज़रूर लें कोई लम्स ना रहेगा उसमें फिर और लास्ट में ना हम यहाँ पे मलाई डाल लेंगे ये जो दूध गर्म करने के बाद मलाई जमता है दूध पे वही मैंने यूज़ किया है ये दो टेबल स्पून है इसको भी मिक्स कर लेंगे इससे हमारा स्टफिंग थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा तो बांधने में ना बाइंड करने में आसानी होगी देखिए अच्छे से मिल गया है सारी चीज़ें थोड़ी देर तक इसके हम भून लेंगे फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी थोड़ी देर तक हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो है ना बेसन और नारियल जले ना काफ़ी अच्छे से भून गया है ये अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे एक बॉल में सारा ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें फिर से हम दो चम्मच दो टेबलस्पून घी डाल देंगे और फिर एक टेबलस्पून मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर डाला है और जितना भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है उसको दरदरा पीस कर आप डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे पिस्ता बादाम काजू सबको दरदरा पीस लिया था आलमंड्स सबको दरदरा पीस के इसमें डाला है सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अगर लगे फिर भी स्टफिंग थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो एक या दो टेबल स्पून हल्का गुनगुना दूध इसमें मिला दे बहुत अच्छा से बाइंड हो जाएगा हमारा स्टफिंग भरने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये स्टफिंग ये ट्विस्ट है इस गुजिए का कि हमने सूजी के रिप्लेसमेंट में बेसन यूज़ किया है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करे इस तीज में और गणेश चतुर्थी में यह हमारा स्टफिंग बन के तैयार हो गया है देखिए हल्का सा ड्राई लग रहा है मुझे तो मैं यहाँ पे एक चम्मच के लगभग बिल्कुल हल्का गुनगुना दूध मिला दूँगी इसमें यह हल्का गुनगुना दूध है बस इतना ही हम इसमें मिलाएंगे और अच्छे से दोनों हाथ में रब करते हुए ना स्टफिंग को बना लेंगे अच्छे से मॉइस्ट भी हो गया है हमारा स्टफिंग जितना मॉइस्ट हमें चाहिए बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं बस अच्छे से हाथ में बन जाए उतना ही ये हमारा स्टफिंग बन के तैयार हो गया तो अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से ये बन गया हमारा स्टफिंग आप जो हमने आटा गुंथ के रखा था उसका छोटा छोटा इस तरह से लोई बना लेंगे पेड़े में बनाकर हम इसे बेल लेंगे पूड़ी की तरह लेकिन उसका थिकनेस थोड़ा सा पतला हो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं इस तरह से हम इसको बेल लेंगे और स्टफ़िंग रखेंगे और ऊपर की तरफ एजेस पे पानी लगा देंगे ताकि ना ये अच्छे से बाइंड हो जाए किनारा जो एजेस है वो अच्छे से बाइंड हो जाए बंध जाए और फोक की हेल्प से इस तरह से हम प्रेस कर देंगे चारों तरफ से ताकि ये खुलेगा नहीं दूसरा भी हम इसी तरह से बना लेंगे बाकी सारा भी हम इसी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे ऊपर की एज पे हम पानी लगा लेंगे बिल्कुल हल्का हल्का पानी लगाएंगे और इसको प्रेस कर देंगे पहले तो हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे उसके बाद फोक की हेल्प से हम इसे बाइंड कर देंगे अच्छे से ताकि एजेस जो है ना फ्राई करते वक्त खुलेगा नहीं और एक अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे तेल मैंने गर्म होने के लिए पहले रख दिया था देखिए हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है स्टार्टिंग में हम हाई फ्लेम पे तेल को गर्म कर लेंगे उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे वरना ना अंदर से ये पकेगा नहीं और टेस्ट ख़राब हो जाएगा फिर तो इसको मीडियम फ्लेम पे ही हम कुक करेंगे लाइट ब्राउन होने तक हम इसे कुक करेंगे ये मैंने पहला बैच इस तरह से बना के डाल दिया है देखिए कितना अच्छा से फूल गया है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनता है ये स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छे से फूल भी जाएगा और मोल्ड के सारे हम इस तरह से बनाएंगे इसको देखिए मोल्ड में भी बहुत अच्छे से बनता है परफेक्शन बहुत अच्छा आता है मोल्ड में भी का और इस तरह से कटोरी से बड़ा रोटी जैसा बना लेंगे और कटोरी से इस तरह से हम कट कर लेंगे तो ये भी अच्छे से बनेगा हमारा जो एक्स्ट्रा है ना वो हम निकाल देंगे मोल्ड में हम इस तरह से भी बना सकते हैं और बेल के भी बना सकते हैं जो आसानी लगे उस तरह से आप बना सकते हैं उसको एक तरफ में हम रख देंगे देखिए बाकी हम इसी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था और फिर फ्राई कर लेंगे सेकेंड बैच को भी हल्का लाइट ब्राउन हो गया है ये तो जो लाइट ब्राउन हो गया उसको हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्व कर ले वो बहुत ही क्रिस्पी गुजिया पिड़किया बन के हमारा तैयार हो गया है इस तरह से मनाएं अपनी स्पेशल तीज फेस्टिवल और गणेश चतुर्थी दो बैच में हम फिर से ड्राइव डिवाइड कर लेंगे इसको कुछ को हम चाशनी में डुबाएंगे अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो चाशनी में डुबा के खा ले। और अगर कम है तो वैसे ही रहने दे तो ये मैंने बस वन फोर्थ कप चीनी में उतना ही पानी मैंने डाल के चाशनी बना लिया है और थोड़ा थोड़ा उसमें डुब डिप करके बस निकाल लेंगे छोड़े नहीं वरना वो बिल्कुल आ, मसी हो जाएगा तो खाने में स्वाद अच्छा नहीं आएगा क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगा उसका सॉफ्ट हो जाएगा वो तो बस डिप करके उसको निकाल ले देखिए ये हमारा चाशनी वाला पिड़किया भी बन के तैयार हो गया है देखने में कितना ग्लॉसी भी लग रहा है और ये बगैर चाशनी वाला पिड़किया भी बन के तैयार हो गया हमारा तो इस फेस्टिवल ये ज़रूर ट्राई करे तीज स्पेशल गणेश चतुर्थी भोग में ये ज़रूर चढ़ाए अब ना ये वरक जो सिल्वर फॉर शीट्स होते हैं ना उसको मैंने लगा दिया है सब पे ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो यूज़ करें वरना ऐसे भी ठीक है और ड्राई फ्रूट्स से ऊपर से गार्निशिंग कर दें जो भी आपको पसंद है सब मैंने इसी तरह से गार्निशिंग कर दिया है देखिए ये चाशनी वाला पिड़किया गुजिया और ये बगैर चाशनी वाला गुजिया बन के तैयार है दोनों ही कितना खूबसूरत लग रहा है खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा ज़रूर ट्राई करें मुझे बताइए रेसिपी कैसी लगी हैप्पी गणेश चतुर्थी हैप्पी तीज इंजॉय थैंक्स फॉर वॉचिंग